वन फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है बॉइलिंग पॉइंट वन फिफ्टी दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट ट्वेंटी दिया हुआ है ठीक है अब हमें क्या पता है ए टेम्परेचर ऑफ सिक्सटी डिग्री सेल्सियस विल बी रीड ऑन दिस थर्मोमीटर एज ठीक है इसी थर्मोमीटर पे सिक्सटी डिग्री सेल्सियस हो तो क्या रीड करेंगे इसको ठीक है देख लेते हैं इसको सिंपल सा सोल्यूशन होगा आइए ये देखिए ये एक स्केल है हमारी सपोज फर्स्ट स्केल ये सेकंड स्केल हो गई ठीक ये देखो अपना ये हो गया फ्री बॉइलिंग पॉइंट टी बॉइलिंग ठीक ये एक्स टेम्परेचर कोई हो गया ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट टी ऑफ फ्रीजिंग ठीक फ्रीजिंग ये क्या हो गया डिग्री सेल्सियस स्केल है यहाँ पे सी कुछ टेम्परेचर है ठीक ये क्या होता है सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है और सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस बस टम्परेचर को क्वालेंट कर दीजिए आंसर आ जाएगा सपोज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ था वाटर कितना डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट क्या था ट्वेंटी था फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं और सेकंड के इक्विट करते हैं बस एक्स माइनस क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ये डिस्टेंस ठीक एक्स माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी माइनस ट्वेंटी ये क्या है बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट और ये फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है इज इक्वल टू सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल में जीरो डिग्री ठीक है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डिवाइड में क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सेल्सियस स्केल में हंड्रेड फ्रीजिंग टेम्परेचर जीरो इसको क्या लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है हम निकाल लेते हैं सिंपल सा है ठीक है यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी दी हुई है गिवन है सी इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ये रीड कर रहा है वो थर्मोमीटर तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू इसको आप लिखो वन थर्टी इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है आप देखो हम इसको केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा हुआ है बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में x minus 20 is equal to 130 into इंटू ठीक है यहाँ से x कितना आ गया हमारा यह आ गया 98 ठीक है ये हमारा आंसर हो गया सिंपल है बस बेसिक्स कॉन्सेप्ट याद रखो ठीक है टेम्परेचर मेजरमेंट का किसी भी टाइप का क्वेश्चन है केवल आपको स्केल बनानी है और उसको सॉल्व करना है ठीक है इसका सॉल्यूशन आ गया थैंक यू गाइस। क्लास लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर